मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र में कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सेवा दल को पार्टी की नींव बताते हुए कहा कि पार्टी का भविष्य यही है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि सेवा दल अपना आईटी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश में बनाए और इसके लिए वे पूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो सिर्फ एनआरसी जैसे मुद्दों पर ही ध्यान दिया जा रहा है। सब शांत बैठे क्यों नहीं मिलाई जाए देश की? मेरा तो प्रश्न ये, आप क्यों नहीं मिलाने में लगे? कौन सी बड़ी आवश्यकता है? ये एनआरसी की कौन सी आवश्यकता थी? कौन सा आसमान गिर रहा था? ये सीएबी की कौन सी अपने विभिन्न देशों से लोग आ रहे थे अपने यहां? कौन से आ रहे थे कि आपको इतनी जल्दी थी कि ये किया जाए? कौन सी जल्दी थी कि आप एनआरसी की बात करें? कौन सी आफत थी? पर उनका लक्ष्य दूसरा था। तो अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद तो देना ही चाहता हूं, साथ साथ आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जो संस्था से जुड़े हैं, यही संस्था कांग्रेस की नींव है। इसी संस्था ने कांग्रेस के सिद्धांतों का निर्माण किया और आपके हाथ में है कांग्रेस का भी भविष्य। आप परिवर्तन ले आइए सेवा दल में, परिवर्तन लाइए, आज के जमाने का परिवर्तन लाइए और सेवा दल का झंडा सबसे ऊंचा लहराता रहे, यही मेरी आशा। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि बैरागढ़ क्षेत्र में कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, जिसमें देश भर से सेवा दल से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन शिरकत कर रहे हैं। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डेनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।